लमसम ये हम यहीं चौराहे पर ही थे, हमारा खेत है तो यहाँ आवारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए क्योंकि क्या लगा जब आप लोग मौके पर कुछ पता चला? एक लोग थे, दो लोग थे, क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है सब लोग लाशें पड़ी थी, केवल वो जो औरत थी वो जिंदा थी। थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गई, इसका मतलब कि उस सबसे बाद में गोली उस औरत को मारी गई। क्या लगता कि आरती चल रही थी इस वजह से भी शायद गोली की आवाज इतनी तेज नहीं सुनाई पड़ी? क्या रहा? नहीं, बगल वाले ने सुना, मनोहर ने उसको सुना, लेकिन जब तक कुछ समझते तब तक सब कुछ हो गया था। 7:20 के बीच में वारदात हुई, आवाजें बहुत मतलब साउंड की आवाज ज्यादा आ रही थी, इस वजह से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के, तो वो भाग के आया, यहाँ बताया सिपाही को, जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे, क्योंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला। ना आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा पीछे, क्या यही जो हिस्सा यहाँ से? हाँ, पीछे से इधर छतें हैं, जुड़ी हुई हैं, कई छतें दूर तक जुड़ी हैं, उधर तक जुड़ी हैं। तो वारदात करने के बाद वो पीछे से कूद के निकल गया, अब ये नहीं पता चला कि कितने लोग थे। जब ये घटना हुआ तो उस टाइम मैं मंदिर गया था, ये वहाँ औरवानी धाम है, वहीं पे दर्शन करके मैं आया था। तो उस टाइम ये जब यहाँ पे आया तो ऑलरेडी एम्बुलेंस आई तो लोग ले जा रहे थे यहाँ पे ऑलरेडी डेड बॉडी को। कुछ नहीं कि अंदर कुछ मतलब कोई गया है, क्या हुआ ये नहीं पता चला, बस कुछ अंदर हुआ सीन जिससे 4 लोग थे वहाँ पे लगभग, और जिसमें से 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ। हम घर में थे तो यहाँ के प्रधान जी द्वारा सूचित किया गया, तो हम आए जो है। क्या जानकारी आपको दी गई कि यहाँ जो है कि यह हादसा हो गया है जो है? तो क्या देखा आपने? अब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ जो है कि सब बंद था जो है। सीधा व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था, सीधे साधे अच्छे आदमी थे जो है। अभी इन्होंने आप लोगों को नहीं कहे कोई 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 कभी कोई मिसबिहेव नहीं करे। कल कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों में जो अपराध करने की भावना है वो खत्म हो जाए जो है। आज दिनांक 3 अक्टूबर को थाना क्षेत्र सिवरतनगंज के अरवा भवानी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम बुला करके सात संकलन की कार्रवाई की गई। जो परिसर है जहां पर यह घटना हुई है वहां पर किसी प्रकार के फोर्सफुल एंट्री के साक्ष्य नहीं पाए गए। घटना के संबंध में कुछ आत्महत्वपूर्ण सुराग पता लगे हैं। 5 अलग अलग टीमें लगा करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।